ये एक हेवल्स की स्ट्रीट लाइट है और इसके अंदर जो है चेक करने के लिए वायर होना चाहिए। तो यहाँ से जो वायर है इसका ये कट गया है और जो इसको लेके हैं उन्होंने कहा है कि ये स्ट्रीट लाइट चल नहीं रही है। तो चलिए इसको खोलते हैं स्क्रू और फिर चेक करते हैं कि चालू है कि बंद है। सकते हो ये जितनी भी एलईडी लगी हुई है सब सीरीज के अंदर लगी हुई है और ये जो एलईडी है जो जूनी है और ये 3.3 वोल्ट की आती है। अभी जो एलईडीज आती है वो 9 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट की आती है और 5 वोल्ट की आती है, पर ये जो थी वो जूनी है जो सबसे पहले 3.3 वोल्ट की थी। और दूसरी चीज़ यह देख सकते हो इसका जो ड्राइवर है उसके अंदर कितना सारा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। यहाँ MOVs है फर्स्ट, फिर बाद में यहाँ EMI कॉइल दे दिए, फिर MOV लगाया हुआ है, इंडक्टर है, फिर यहाँ RCD स्नबर्स दिया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, तो वो सारा प्रोटेक्शन है। ये ड्राइवर जितना हैवी है तो जो हेवल्स है वो कंपनी की स्ट्रीट लाइट है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी में लाइट बनाई हुई है। इस ड्राइवर को रिप्लेस करना हो तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो पहली चीज़ ये है कितने वोट की है। तो यहाँ इसके नेम प्लेट भी यहाँ जो आप देख सकते हो इसमें इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कितने वोट की है और क्या पावर रेटिंग है इसकी। तो ये इसके अंदर ड्राइवर लगने वाला है, तो ड्राइवर का आउटपुट वोल्टेज है 50 वोल्टेज से 70 वोल्टेज के बीच में और इसका करंट जो है वो 100 मिली एम्पियर है। तो ये जो है वो कांस्टेंट करंट का ड्राइवर है, इसके लिए हमारा जो करंट है वो फिक्स रहेगा और यही ड्राइवर इसके अंदर लगने वाला है इसका जो LED का कैलकुलेशन है उस बेस पर।
आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने इस हैवल्स की स्ट्रीट लाइट को रिपेयर किया है। इस स्ट्रीट लाइट के अंदर इसका ड्राइवर जो है वो ख़राब हो गया था। हालांकि इसकी ड्राइवर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक समय के बाद में सब ये ड्राइवर्स है वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने इसका जो ड्राइवर है किस तरह से सिलेक्ट किया कि यही इसका ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि जो LED स्ट्रीट लाइट होती है उसके अंदर जो कांस्टेंट करंट के ड्राइवर लगते हैं, तो वहाँ हमें इनके वोल्टेज को देखना होता है और इनके करंट को देखना होता है। तो यदि आपके पास कोई भी इस तरह की स्ट्रीट लाइट आती है तो आपको उसका जो वोल्टेज है और इसका करंट है वो कैसे आप पता कर सकते हैं। इस स्ट्रीट लाइट के अंदर, ये कंपनी की स्ट्रीट लाइट थी, तो इसके अंदर इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन थी, वो दी हुई थी, जैसे उसका रेटेड वोल्टेज क्या है और उसका करंट क्या है और कितना पावर यानी कितने वोल्ट की ये स्ट्रीट लाइट है। पर बहुत सारी इस तरह की लाइट होती है जिसके अंदर हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, तो उनमें आप किस तरह से ड्राइवर को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ उसकी LED की PCB सही होगी। तो इसी तरह के जो इन्फॉर्मेशन है मैं आने वाले वीडियोस के अंदर आपको बताने वाला हूँ। स्ट्रीट लाइट्स, फ्लड लाइट्स और ये स्ट्रीट लाइट जो कॉन्स्टेंट करंट के ड्राइवर्स हैं, इन सभी के ऊपर। तो मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बनाते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।